क्या हो गया? आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा लग रहा था। मैच के दौरान बारिश ने खलल ही डाल दी। जब टीम इंडिया के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड पर अंकुश जमाया हुआ था, तब बीच में ही बारिश आ गई। दरअसल न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला तब गलत साबित हो गया जब एक रन पर ही मार्टिन गुप्टिल पवेलियन वापस लौट गए। उसके बाद तो इतनी धीमी बल्लेबाजी दिखाई दी कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में ये कैसी बल्लेबाजी कर रहा है। देखते ही देखते आखिरकार न्यूजीलैंड ने 200 रन तो पार कर लिए। जब मैच 47वें ओवर में गया, तभी बारिश की बूंदें तेज हो गई। लोगों ने अपने छाते खोल लिए। वहीं अंपायर्स ने मैदान को हाथ लगाकर देखा तो पता चला कि मैदान गीला हो चुका है। पानी जबरदस्त तरीके से बरस रहा था। उसके बाद अंपायर्स ने फैसला किया कि मैच को यहीं पर रोक दिया जाए। इस दौरान न्यूजीलैंड की ओर से 211 रन बनाए जा चुके थे। वहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों में से युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 63 रन दिए, 1 विकेट लिया। जडेजा ने 10 ओवर में 34 रन दिए, 1 विकेट लिया। पांड्या ने 10 ओवर में 55 रन दिए, 1 विकेट लिया। और अगर न्यूजीलैंड की ओर से बात की जाए तो विलियमसन ने 67 रन की पारी खेली है और टेलर भी 67 रन बनाकर नॉट आउट क्रीज पर डटे हुए। वहीं निकोलस 28 और गुप्ती मैच 1 रन बना सके। इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए।